मैं इतला दिती सी कि जगरूप कि इत्थे जिहड़ा आह पिंड है कोनेयाल जगरूप ते आसे पासे दे जिहड़े पिंड है कोनेयाल साहब विखे भी बहुत ज़्यादा पानी पहुँच गया और हज़ारा एकड़ जिहड़ी फसल उह तबाह हो गई। और वाकई जिहड़ा आ के इत्थे वेखण नूं मिलिया कि जिहड़ी गन्ने की फसल भी सीगी, हालांकि गन्ना आम तौर पर डुबदा नहीं है, मुकम्मल तौर पर गन्ना भी जिहड़ा वेखण नूं मिलिया कि वह डुब गया है, मुश्क मार रहा है। और तरासगी इस गल दी है कि मैनू लगता कि हजे अगले भी 6 महीने कणक बीजी जाए तो तद भी चंगा है। मैनू लगता कि कणक भी बीजन का कोई हाल नहीं, क्योंकि कित ना कि डाफ लग जाती है, पानी त्यों का त्यों उत्थे खड़ा है। काफ़ी दिन बाद मैनू लगता कि जे अज भी पानी वेखिए तो 4-4, 5-5 फुट पानी जिहड़ा हजे खेतों के अंदर हैगा, फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं और किसान नूं किसी प्रकार की कोई राहत हजे तक नहीं मिली। मैं पूरे पंजाब का दौरा किया और बहुत माड़ी हालत है सरदूलगढ़ के पास, घग्गर दरिया की, सतलुज की, हजे तरन तारण साहब साढ़े गिल साहब मैं अज वेख के आया, उत्थे भी असी जाना भी है, बहुत माड़ा हाल है। मैं समझदा कि जिन्ना माड़ा हाल कह दिए उन्ना माड़ा हाल है। 5-6 लाख एकड़ जिहड़ी जमीन है वह खराब हो चुकी है, हज़ारा पशु मर गया, हज़ारा कोठे ढह गए ने, स्कूलों के पानी चढ़ वड़ गया, हस्पतालों च बन तोड़ने पे, सड़कां तोड़ दियां पईआं, पंजाब का बहुत भारी नुकसान हो गया। और मेरा ख्याल मगरले 10-15 दिन तो केवल सरकार दियां, मैं निंदा नहीं करता, ये पानी कोई आम आदमी पार्टी नहीं लैके आई, लेकिन मैं ये जरूर कहना है बारिश वो नहीं लैके आई, किते ना किते आ सेम नाला, मैं रास्ते च मैनू अजनाला साहब पिंड विखा रहे सी, उहदे विच केली हुण जाके केली लोगों ने कढ के, मैं आख्या खेतों झोने के नाल केली किवें फिरदी है, कहिंदे हुण लोगों ने पट पट के केली बाहर सुट्टी है। जाने कि मैनू लगता कितने ना कितने जिहड़ी ड्रेनेज डिपार्टमेंट वालों सफाई होनी चाहीदी सी, इरीगेशन डिपार्टमेंट वालों, देरी नाल होई। फरवरी महीने च फ्लड दे मुताबक जिहड़ियां मीटिंग्स हो जांदियां ने बारिशां नूं देखदिआं होइआं, लेकिन वह जुलाई च कीतियां गईआं, जून च कीतियां गईआं, फिर उहदा जुलाई च टेंडर होए, वह सफाइया हो ही नहीं पाया। संत सीचेवाल हालांकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर ने, तो उन्हां दी गल करदे, बेशक वो समाज सेवी भी है, नाल नाल कितने कितने पार्टी का भी पक्ष।